ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस पिछले दो दिन चैनल पर कोई भी वीडियो नहीं आई, तो उसके लिए गाइस रियली सॉरी, मेरा इंटरनेट का इशू चल रहा था। बट अब जो है चैनल पर डेली रेगुलर 11 AM पर आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पर इस वाले मैच में जाएंगे जॉर्जे पुल पर, और यहाँ पर काफी सारे बंदे आएंगे तो उनको तो निपटा देंगे। लेकिन उसके बाद भाई रोजुक पर यहाँ पर बहुत जबरदस्त फाइट होने वाले, मतलब बंदे आते जाएंगे तो देखते जाओ। तो अभी हम जा रहे हैं एकदम कॉर्नर वाले कंटेनर पर, और यहाँ पर हमें उतरते गन वन नहीं मिलेगी, लेकिन काफी सेफ लैंडिंग मारेंगे, यहां कोई भी टीम नहीं आती। तो भाई मेरे सामने एक बंदा और था जो कि काफी सेफ उतरा था, तो मैंने ना उसके सीधा शॉटगन बजा दिया। मुझे पता था नहीं मरेगा, लेकिन इसलिए मारी ताकि वो डर के मारे नीचे कूद जाए और उससे कहीं कुछ नहीं मिलने वाला। तो भाई पीछे की तरफ 3 स्क्वाड उतर गई थी, तो देखना कैसे इन्हें थर्ड पार्टी कर मारेंगे। तो भाई यहाँ पर तो मैंने बहुत ही गलत सीन कर दिया, मतलब पहले पीछे एक टीम अलग लड़ रही थी, उसके दो बंदे मारे, और आगे तरफ दो स्क्वाड्स लड़ रही थी, तो यहाँ पर आके किल तो चुराए चुराए और बंदों को अलग लपेट दिया, तो बहुत ही गलत थर्ड पार्टी करी। अब यहाँ पर एक बंदा बचा, से फिनिश करते हैं। अब जैसे मैं इसको फिनिश करूंगा ना, इसका टीममेट मेरे एकदम सामने वाले कंटेनर पर आकर टीपी भी लेने लग जाएगा, तो देखना इसको कैसे मारेंगे। अब यहां पर इनको निपटाया, और पीछे की तरफ एक बॉट आया था तो इसको ही मार दिया। अब फाइट चल रही थी उन कंटेनर्स पर जहां पर मैं उतरा था, और यहां पर जैसे ही पहुंचूंगा एक बंदा इधर था और इसका टीममेट आगे फाइट कर रहा था। तो भाई जो भी कहो, पीछे वाले बंदे को ड्रॉप शॉट बहुत तगड़ा दिया था, पूरा 180 डिग्री घूम के। अब यहां पर ये बंदा जा रहा है रैव होने अपने टीममेट के पास, तो देखना इन पे कैसे पुश करेंगे। अब यहां पर इनको निपटाया, और अब देखना मेरे ऊपर थोड़ी सी बोट की बारिश हो जाएगी, यानी फ्री किल्स।
अब यहाँ पर फ्री किल्स लेने के बाद मैं सीधा जाऊंगा रोजोक पर, और यहाँ पर रोजोक पर ना जाते बंदे स्पोर्ट हो जाएंगे, तो देखना इनको कैसे मारेंगे। और एक के बाद एक स्क्वाड रोजोक आते जाएगी और पिटते जाएगी, तो देखते जाओ कितनी मस्त फाइट होगी यहाँ पे। तो पहली बात तो ये बंदा नॉक कैसे नहीं हुआ मुझे समझ नहीं आया, बहुत ज्यादा गोली मारी थी। अब यहां पर ये बंदा पूरा का पूरा उसी के पीछे बैठा हुआ, तो देखना इसके कितना प्यारा ग्रेनेड डालेंगे। ये बंदा भी बिल्कुल गधैया था, इसके टीममेट को अभी ही वहीं पर मैंने नेट से मारा है और ये वहीं पर उसे रैप देने चला गया, तो देखना इसको भी नेट से मार देंगे। तो भाई इनका आखिरी टीममेट थोड़ा समझदार था, मतलब कि जहां पर उसे रिवाइव देना था ना, तो उसने अपने बंदे के ऊपर स्मोक तो डाल दिया, लेकिन जिस रास्ते से आना था वहां पर तो उसने स्मोक करा ही नहीं, तो उसे वहीं पर लपेट दिया। अब यहां पर देखो स्मोक इसने वैसे काफी तगड़े डाले थे। अब यहां पर जैसे ही मैं आया लूटने और थोड़ा बहुत लूट ही रहा था, तो अभी पीछे से हिल पर एक बाइक आ जाएगी, तो देखना उनको कैसे जाकर मारेंगे। खैर यहाँ पर तो मैंने इसे फिनिश करा। अब इनका ना टीममेट्स इन्हें रेफ देने आ रहा था अपनी यूएस लेकर, लेकिन हल्का सा स्प्रे देखते ही वो ऐसे भगाता ना गाड़ी, मतलब पहली फुर्सत में निकल लेता है। खैर यूएस वाले को भगाते ही मैं यहाँ पर थोड़ा सा लूट रहा था, लेकिन तभी नीचे से एक गाड़ी आ जाएगी और इनको पता नहीं था कि यहाँ पर मैं ऑलरेडी बैठा हुआ हूँ, तो देखना इनकी कैसे लड़ी लगाएंगे। तो भाई यहाँ पर तो इनको बहुत ही बुरा वाला मारा, और मैं अपनी बग्गी लेकर जा रहा था शेल्टर की तरफ, क्योंकि यहाँ पर चली थी फ्लेयर, लेकिन रास्ते में भाई एक ऐसा बंदा मिलेगा ना, समझ लो फास्ट एंड फ्यूरियस 10 की शूटिंग कर आ रहा हो जैसे, और इतनी तेज बग्गी चला रहा था, समझ लो मरते मरते बचेंगे। तो यहां पर मैंने शक्तिमान को निपटाया, और जैसे जाऊंगा शेल्टर की तरफ, तो यहां पर देखना बहुत ही फनी सीन होने वाला है। तो भाई इस सांप को तो मारा, लेकिन जो यूएस वाला बंदा था उसने गाड़ी पूरी उल्टी चलाई थी, क्योंकि उसे पता था गाड़ी सीधी करने के लिए मोड़ेगा तो गाड़ी की स्पीड कम होगी, गाड़ी रुकेगी और उसे मैं उतार दूंगा। अब यहां पर मैं इस बंदे से ना ओग लेना चाहता था, और ये बंदा फ्लेयर ड्रॉप के अंदर ही घुस गया, पता नहीं कैसे कौन सा ग्लिच मार रहे बंदे। अब देखो इसको फिनिश करा, लेकिन इसका क्रेट फ्लेयर मतलब कि जो ड्रॉप है उसके अंदर ही पड़ा हुआ, मतलब यार गलत ही स्कैम है। इतने दिनों बाद मन करा था वो चलाने का, लेकिन किस्मत ही खराब है। तो भाई उसके बाद मैं जा रहा था सीधा जोन में, लेकिन तभी मुझे सामने की तरफ एक बग्गी दिख गई, जो कि बंदा ना ड्रॉप को लूट कर उस घर में जाकर कैंप करने लग गया। अब इसको जैसे ही मारने के लिए इस पर रश करेंगे ना भाई, ये डर के मारे इतनी तेज भागेगा ना भाई, देखते जाओ।
तो भाई फाइनली बग्गी वाले को तो लपेटा ही लपेटा, और उसका टीममेट उसे जो रेफ देने आया था तो उसको भी मार दिया। अब यहाँ पर होने वाला बहुत ही तगड़ा सीन, क्योंकि सामने की तरफ ना एक ड्रॉप थी, उस ड्रॉप पर इतनी जबरदस्त फाइट चल रही थी ना, तो हम इतना गलत थर्ड पार्टी करेंगे, बेचारे अच्छे खासे सांप बने पड़े, तो इनकी जिंदगी नष्ट कर डालेंगे। तो भाई ये कुछ लोग नीचे थे जिन्होंने गाड़ी फोड़ी थी, और इनके कुछ टीममेट ऊपर थे जिसको मैंने मार दिया। अब और भी हिल से ना इनके एक अलग ही बंदा कार 98 भर रहा था। अब यहाँ पर जो बंदा नॉकडाउन है ना, अब देखना इसको मैं फिनिश नहीं करूंगा ताकि अपने टीममेट के पास रिवाइव होने जाए और हमें लोकेशन मिल जाए। तो बेचारे इन सांपों को कितनी बुरी तरह मारा गया। अब जो बंदा इनके हिल से कार 98 बजा रहा था ना, तो अब उसकी भी कुटाई का टाइम आ गया है। और मैं जैसे आऊंगा ना हिल पे, तो भाई वो बंदा कैंप कर रहा था इसी वेयरहाउस के अंदर, तो देखना आप उसको कैसे मारेंगे। तो भाई ये बंदा ना कुछ ज्यादा ही गलत वाला कैम कर बैठा होता, लेकिन बेचारा बिना ईयरफोन के खेल रहा था। मतलब कि मैं यहाँ पर आके खड़ा होकर उसे साउंड नहीं आया, और बेचारे के इतनी क्लोज में कार 98 का चाटा बजा दिया। अब इसको मारने के बाद भैया मैं आ गया यसनाया, मतलब कि गाड़ी पूरे में घुमाई मैंने ताकि कोई बंदा मिल जाए, एक ही बंदा बचा था। लेकिन हम फाइनली पहुंच गए यसनाया, और जैसे ही पहुंचा ना मेरी गाड़ी का फ्यूल ही खत्म हो गया। लेकिन ढूंढते 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 बंदा आखिरी वाला मैं यहीं मिल गया। अब इस बंदे को ना मारेंगे नहीं, इसकी हरकतें देखेंगे कि एंड टाइम पे करता गया है। तो भाई ये बंदा अभी जा रहा है ना अपार्टमेंट्स वाली बिल्डिंग में, और यहाँ पर ना देखो एकदम एंड का जोन है, और इसको अभी भी लूट की पड़ी हुई है। मतलब जोन नहीं देख रहा, पहले से लूटना है। अभी मेरे को पता है जब इसको ब्लू लाइन छुएगी ना, ये तभी भागेगा जोन में, उससे पहले नहीं भागने वाला। देखो कैसे लूट रहा है, अभी ये वाली बिल्डिंग लूटी, अब इसके बाद दूसरी वाली बिल्डिंग में चला गया। मतलब लूट में पूरा मस्त मगन है, जोन का होश ही नहीं है। तो इसको तो बहुत ही ईजिली मार देंगे जब ये जोन में जाएगा। भाई वो तो अच्छा हुआ कि यार हमारी बग्गी का ना फ्यूल जोन के बाहर ही खत्म हुआ, वरना अगर हम जोन के अंदर होते ना तो ये बंदा जोन के अंदर आ ही नहीं पाता, प्ले जोन से ही मर जाता। और हम बाहर थे तो हमें एक फ्री किल भी मिल गया, तो भाई देख लो कोई बार भगवान भी साथ दे देते हैं। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वाला जो गेम प्ले वीडियो जरूर अच्छा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ यार वीडियो को जाकर लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और जिसने भी अभी तक यार इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा, फटाफट जाकर फॉलो कर लो। और यार टिकटॉक पर भी फॉलो करना मत भूलना, बहुत सारे लोगों ने अकाउंट ना यार बिना बताए ढूंढ लिया। तो अगर आप भी ढूंढ सकते हो तो ढूंढो और फॉलो करो। बाकी मैं आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर और वीडियोस अपलोड करके आपको एकदम लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से भी जाकर फॉलो कर सकते हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।